तो दोस्तों कैसे हो, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों ओनर अपनी एक नई स्मार्टफोन जो कि टेक मार्केट में लॉन्च किया गया है, और ये स्मार्टफोन ओनर X50 GT के नाम से देखने को मिल रहा है, जो कि फिलहाल अभी चाइना मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं पता है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में कब तक आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन ओनर X40 GT का सक्सेसर है जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था। तो इस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेगी, प्राइस क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या इस स्मार्टफोन को आपको खरीदना चाहिए या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन जो कि आपको टेक मार्केट में दो ब्रांड में देखने को मिलेगा। पहला ब्रांड जो कि 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, और इसकी प्राइस इंडिया में लगभग 25,000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन की टॉप ब्रांड जो कि 16 GB के साथ 1 TB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है, और इसकी प्राइस लगभग 34,500 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन जो कि मिड नाइट ब्लैक और स्टार विंग गॉड ऑफ वार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। और इस स्मार्टफोन की प्री बुकिंग फाइनली शुरू हो चुकी है, और ये स्मार्टफोन ओपन सेल के लिए 9 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेक्स की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे तो आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 6.78 इंच का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे 1.5K का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन जो कि पंच होल डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है, 120Hz का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। तो स्क्रीन तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा, और यहाँ पे तो सिक्योरिटी के लिए डिस्प्ले में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर तो आपको SGX 5-star ड्रॉप रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर तो आपको 108MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 3x जूम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2MP का आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट में यहाँ पे 8MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8+Gen1 का आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, 16 GB तक यहाँ पे रैम सपोर्ट, और 1 TB तक आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और यहाँ पे 5100mm² का आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि फ़ोन को ठंडा रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे एक साथ आप कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको कोई लैग प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों बैटरी जो कि 5800mAh का आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 35W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। कंपनी को यहाँ पे कम से कम 50W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए। और ये स्मार्टफोन जो कि एंड्रॉयड वर्जन 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे आपको मैजिक OS 7.2 का स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको ये अपडेट कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।